नमस्कार, मैं आपका इस यूनिट नंबर 1 के लास्ट वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस लास्ट वीडियो में आज हम लोग दो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन, एंड नंबर 2, रेसिडी थ्योरम। फ्रेंड्स, तो आइए जरा इन टॉपिक्स के ऊपर बात करें। हमें इन दो टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, सिंगुलैरिटीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन एंड नंबर 2, रेसिड्यू थ्योरम। इन दो टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जिसमें से आज हम अभी शुरू कर रहे हैं ये पहला टॉपिक, सिंगुलैरिटीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सिंगुलैरिटी होती क्या है। किसी भी एनालिटिक फंक्शन के लिए जो सिंगुलैरिटी होती है, आइए उसकी जरा डेफिनेशन देखें। A point z naught is said to be singular point of analytic function fz if fz is not analytic at point z naught, friends, right? अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन fz, क्योंकि एक एनालिटिक फंक्शन है, अगर एनालिटिक ना हो तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। अ पॉइंट z naught is said to be singular point of fz if fz is not analytic at point z naught, right students? For example, मान लीजिए एक function है fz is equals to 1 upon z minus 2, तो आपको दिख रहा होगा कि at point z is equals to 2 fz is tends to infinite. It means that fz is not analytic, right? Analytic का मतलब हम लोग पहले के वीडियोस में देख चुके हैं students. Analytic का मतलब होता है simple differentiable function, right? तो अगर किसी point पर function की value ही infinite हो रही है, तो definitely उसका अगर आप derivative निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा? Infinite ही आएगा. इट मीन्स दैट कि अगर डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है उस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट है z इज इक्वल टू 2, दिस इज द सिंगुलर पॉइंट ऑफ फंक्शन fz, राइट स्टूडेंट्स? तो जिस भी पॉइंट पर फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए या एग्जिस्ट ना करे, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सिंगुलर पॉइंट स्टूडेंट, या जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक ना हो उस पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट ऑफ द एनालिटिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, अब सिंगुलर पॉइंट्स के कुछ टाइप्स होते हैं, कुल मिला के 4 टाइप होते हैं सिंगुलर पॉइंट के। जरा आइए देखें कि वो क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी types of singularity. Number 1, isolated singularity. Number 2, removable singularity. Number 3,
essential singularity. Essential singularity. And four pole. Right, students? So, students, yes, ये चार टाइप की सिंगुलरिटीज होती हैं स्टूडेंट्स, जिसमें आइसोलेटेड, रिमूवेबल, एसेंशियल एंड पोल। हमारे को इस पोल को ज्यादा अच्छे से समझना है, लेकिन फिर भी इन बाकी सभी सिंगुलरिटी को मैं शॉर्ट में आपके सामने रखूंगा स्टूडेंट्स कि क्या होते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। स्टूडेंट्स पहला होता है पहला जो टाइप है सिंगुलरिटी का वो है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेट का मतलब होता है अकेला। इट मींस दैट कि अगर किसी फंक्शन के पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास, उस पॉइंट को छोड़ के और कोई सिंगुलर पॉइंट ना हो तो उस पॉइंट को आइसोलेट सिंगुलैरिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके पास fz is equals to 1 upon z minus 2 and z minus 3, ये दो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, राइट? तो यहां पर दो सिंगुलर पॉइंट इस फंक्शन के, z is equals to 2 and z is equals to 3। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा कि इस 2 जो कि एक सिंगुलर पॉइंट है, अगर इस 2 के आसपास हाफ रेडियस का एक सर्कल बनाया जाए तो इस हाफ रेडियस के सर्कल में और कोई सिंगुलैरिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 3 तो उस हाफ के भी बाहर होगा, राइट? इट मींस दैट कि इस 2 के आसपास एक छोटी से छोटी रेडियस का ऐसा सर्कल बनाया जा सकता है जिसमें कि कोई और सिंगुलर पॉइंट ना हो। तो इस 2 को हम फंक्शन fz के लिए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कहेंगे। मैं गलत बोल गया स्टूडेंट। तो इस पॉइंट z इज इक्वल टू 2 को फंक्शन fz के लिए आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहेंगे। अब आप यहां पर एक क्वेश्चन फिर पूछेंगे कि क्या सर 3 भी इस फंक्शन fz के लिए आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है? तो मेरा जवाब है यस, 3 भी इस फंक्शन fz के लिए आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। स्टूडेंट ध्यान रहे, कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी तभी बन सकता है जब उसके अराउंड एक मिनिमम रेडियस का, वो मिनिमम रेडियस कुछ भी हो सकती है, 0.00001 भी हो सकती है, मिनिमम रेडियस का अगर हम एक सर्कल बनाएं तो उस सर्कल में उस फंक्शन के लिए कोई और सिंगुलैरिटी नहीं होना चाहिए, कोई और सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो उस पॉइंट को हम फंक्शन के लिए आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहेंगे। ये है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। नंबर 2, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रिमूवेबल, ऐसी सिंगुलैरिटी जिसे रिमूव किया जा सकता हो, राइट? फंक्शन की सिंगुलैरिटी से रिमूव किया जा सकता हो, फंक्शन से रिमूव किया जा सकता हो, उसे हम कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, राइट? इसका मतलब यह है कि अगर कोई फंक्शन z इज इक्वल्स टू a पर एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, राइट स्टूडेंट्स? फाइनाइट हो और एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम कहेंगे कि z इज इक्वल्स टू a इस फंक्शन fz के लिए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, राइट स्टूडेंट्स? आई रिपीट, कोई भी पॉइंट किसी फंक्शन fz के लिए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी तब कहा जाता है जब उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, राइट? दो टाइप की हो गई। तीसरी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें फंक्शन में से रिमूव नहीं किया जा सकता, मतलब वो रहेंगे ही रहेंगे हमेशा। इट मींस दैट कि अगर उन पॉइंट्स पर हम लिमिट निकालें फंक्शन fz की, तो इट टेंड्स टू इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड,
okay, or not exist, right students? तो कोई भी पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो उसे हम कहते हैं एसेंशियल सिंगुलैरिटी, राइट स्टूडेंट्स? उसे कहते हैं एसेंशियल सिंगुलैरिटी, राइट? तो ये तीन सिंगुलैरिटी के टाइप हुए। नंबर वन आइसोलेटेड, जिसके आसपास कोई और सिंगुलैरिटी ना हो। नंबर टू रिमूवेबल, जिसे रिमूव किया जा सके। नंबर थ्री एसेंशियल, जिसे रिमूव ना किया जा सके। एंड नंबर फोर एंड लास्ट पोल, एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर अस फॉर आर अपकमिंग कंटेंट्स इन दैट यूनिट स्टूडेंट्स। तो अब जरा आइए पोल के बारे में समझे कि पोल क्या होता है। हम स्टूडेंट्स चलिए आइए जरा हम लोग पोल की डेफिनेशन देखें कि पोल क्या होता है। पोल अ पॉइंट ए नॉट is said to be pole of order. A point A naught is said to be pole of order M of function FZ if limit z tending to a naught z minus a naught fz is equals to finite and exist spread, right students? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको हम लोग समझेंगे भी। A point, कोई भी point z is equals to a naught is said to be pole of order m, यहां पर m important है, order m का pole कहा जाएगा function fz का यदि limit z tending to a naught z minus a naught raised to the power m, यहां पर m आना जरूरी है, raised to the power m fz is equals to finite. इट मीन्स दैट कि कोई भी पॉइंट ए नॉट एम ऑर्डर का पोल तब बनेगा जब जेड माइनस ए नॉट रेस्ट टू द पावर एम का एफ जेड में मल्टीप्लाई करें और जेड इज इक्वल्स टू ए नॉट लिमिट लें और वो लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाए तो उस पॉइंट को हम कहेंगे पोल ऑफ ऑर्डर एम। फॉर एग्जाम्पल, अब जरा इसके एग्जाम्पल से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक फंक्शन है fz इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस 2 एंड z माइनस 3 स्क्वायर, सॉरी z माइनस 3 का होल स्क्वायर स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो z इज इक्वल टू 2 है और 3 है ये दोनों ही क्या है, सिंगुलर पॉइंट है स्टूडेंट, राइट? दीज आर दी सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ फंक्शन एफ जेड। और साथ ही अगर हम लिमिट जेड टेंडिंग टू 2 करें और जेड माइनस 2 इनटू एफ जेड करें तो दिस बिकम लिमिट जेड टेंडिंग टू 2 जेड माइनस 2 इनटू जेड अपॉन जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, जेड की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, तो दिस बिकम 2 अपॉन 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 स्टूडेंट्स। इट मींस दैट कि अगर हम z इज इक्वल्स टू 2 पर इस फंक्शन के लिए पोल का डेफिनेशन को चेक करें तो दिस डेफिनेशन विल गिव यू अ फाइनाइट वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू आपको देती है। इट मींस दैट कि ये जो z इज इक्वल्स टू 2 है ये इस फंक्शन fz के लिए एक पोल है और यहां पर हमने कितनी पावर लगाई थी, 1 पावर लगाई थी। इट मींस दैट कि z इज इक्वल्स टू 2 ऑर्डर 1 का पोल है स्टूडेंट। कितने ऑर्डर का पोल है, ऑर्डर 1 का पोल है। ये तो थ्योरेटिकली मैंने आपको चेक करके बताया,
अब आप यहां पर डायरेक्ट देख सकते हैं, राइट, z इज इक्वल्स टू 2 के ऊपर पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब z इज इक्वल्स टू 2 ऑर्डर 1 का पोल है, z माइनस 3 का होल स्क्वायर 3 पोल है, नो डाउट, और आइसोलेटेड सिंगुलरिटी भी है, लेकिन पोल हमारे काम का है, राइट, तो z इज इक्वल्स टू 3 पोल है, कितनी पावर लगी है 2, कितने ऑर्डर का पोल हुआ 2 ऑर्डर का पोल हुआ स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास पोल का जो ऑर्डर है वो इस फैक्टर की पावर से डिसाइड होता है स्टूडेंट, अगर पावर 2 है तो ऑर्डर 2 का पोल, पावर 1 है तो ऑर्डर 1 का पोल, जब पोल का ऑर्डर 1 होता है तो उसे कहते हैं सिंपल पोल, और जब पोल का ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा होता है तो उसे कहा जाता है मल्टीपल पोल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ पोल के, ताकि आपको पोल और अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आप पोल को फंक्शन में देखकर पहचानना सीखिए, उसका ऑर्डर पहचानना सीखिए, क्योंकि ये जरूरी है आगे आने वाली चीजों को समझने के लिए। चलिए आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सम एग्जांपल्स स्टूडेंट्स ऑफ पोल, मान लीजिए कि ये फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू sin z upon z square into z plus I raised to the power 3 आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि इस फंक्शन fz के कितने पोल हैं, कितने ऑर्डर के हैं, तो नाउ आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर हम इस फंक्शन में z is equals to 0 रखें तो हमें क्या मिलेगा, नो डाउट समथिंग अपॉन 0 is infinite, right? तो लेकिन क्योंकि यहाँ पर sin z upon z है and limit z tending to 0 sin z upon z जो होता है वो 1 देता है हमें स्टूडेंट, तो यहां पर हमें केवल sin z upon z into into z and z plus I whole cube students. तो जब limit z tending to 0 ली जाएगी students, तो sin z upon z जो है वो तो बन जाएगा 1 and इस z is equals to 0 पर हमें मिलेगी singularity, क्योंकि 1 upon 0 is infinite students, right? तो यहां पर z इज इक्वल्स टू 0 पोल है, लेकिन ध्यान रहे कितने ऑर्डर का, ऑर्डर 1 का, क्यों स्टूडेंट, यहां पर z स्क्वायर दिख जरूर रहा है लेकिन एक z sin z के साथ sin z अपॉन z 1 बना देगा, ओके, क्योंकि पोल के लिए हम लोग लिमिट लेते हैं, ठीक, लेकिन ये z z तब भी बना रहेगा, तो इसी z के कारण पोल डेवलप होगा z इज इक्वल्स टू 0 पर और वो भी ऑर्डर 1 का। एक और पोल इस पे दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज पोल और इसका ऑर्डर है ऑर्डर 1, राइट स्टूडेंट्स, एक और पोल है नंबर 2 z इज इक्वल्स टू माइनस i, ये भी पोल है स्टूडेंट्स और इसका जो ऑर्डर है वो तो कोई भी देख के बता सकता है, z प्लस i की होल पावर क्यूब 3 है, तो इसका ऑर्डर है 3 स्टूडेंट्स। इसी तरह मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए एक फंक्शन है fz is equals to z square upon z plus 2 whole square and z minus i whole cube, मैं यहाँ पर 2i लिख देता हूँ, यस स्टूडेंट्स, और आपसे पूछा जाए इसके पोल बताइए, तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर z is equals to minus 2 एक पोल है, कितने ऑर्डर का, ऑर्डर 2 का, और यहां पर z इज इक्वल टू प्लस 2i एक पोल है ऑर्डर 3 का स्टूडेंट्स। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन के पोल और उनका ऑर्डर निकाला जाता है स्टूडेंट्स। तो ये तो स्टूडेंट हुआ डिटेल पोल का और उसका ऑर्डर कैसे पहचाना जाता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, राइट, जिसको आपके नाम है रेसिड्यू एट एनी पोल, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, पोल क्या होता है, कैसे उसका ऑर्डर निकाला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ऑर्डर वन का पोल, ऑर्डर टू का पोल, ऑर्डर थ्री का पोल. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे ऑन नेक्स्ट टॉपिक, रेसिड्यू एट पोल. मतलब कि किसी भी पोल पर रेसिड्यू जो होता है वो क्या होता है और उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है. रेसिड्यू एट पोल स्टूडेंट, राइट. तो आइए जरा देखें कि कैसे रेसिड्यू निकाला जाता है. पहले सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, थ्योरेटिकल जो उसकी डेफिनेशन होती है पहले हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे. राइट स्टूडेंट्स, लेट पॉइंट z naught इज अ पोल ऑफ f सेट, इज अ पोल ऑफ f सेट, देन रेसिड्यू ऑफ fz at pole z naught is defined by is denoted by residue at z naught and defined as residue at z naught is equals to 1 upon 2 pi I integration c fz dz where c is a closed curve containing pole z naught students, containing point z naught. It means that कि कोई भी point z naught जो कि पोल है फंक्शन एफ जेड का, अगर उस पोल जेड नॉट पर हम फंक्शन एफ जेड के लिए रेसिड्यू फाइंड करने जाएंगे तो उसे डिनोट करेंगे रेसिड्यू एट जेड नॉट, और उसकी जो डेफिनेशन होगी वो एक इंटीग्रल के थ्रू दी जाएगी जिसकी वैल्यू होगी 1/2πr इंटीग्रल अलोंग कर्व सी एफ जेड डी जेड, जहां पर C एक क्लोज्ड कर्व है जिसके की अंदर पोल z नॉट होना चाहिए. यानी कि हम उस सर्कल या उस कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन करेंगे फंक्शन fz का जो कि इस पोल के चारों ओर हो, यानी कि जिस कर्व के अंदर ये पोल होगा उस कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन करेंगे फंक्शन एफ जेड का, उसमें 1/2πi से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी ये वैल्यू आएगी वो रेसिड्यू होगा एट पोल जेड नॉट स्टूडेंट. ये तो हो गई एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन जो कि इंटीग्रल के फॉर्म में है स्टूडेंट. अब प्रैक्टिकल फॉर्मूला जो कि किसी भी पोल के ऊपर रेसिड्यू निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे, चलिए आइए उस फॉर्मूले को देखें जरा स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग रेसिड्यू फाइंड करेंगे पोल्स पर. हम लोग दो फॉर्मूले देखेंगे यहाँ पर, एक सिंपल पोल्स के लिए है और एक मल्टीपल पोल के लिए है. तो चलिए आइए जरा देखें. वर्किंग रूल फॉर रेसिड्यू नंबर वन, एट सिंपल पोल. तो यहां पर स्टूडेंट रेसिड्यू का फॉर्मूला होगा रेसिड्यू एट z नॉट इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंडिंग टू z माइनस z नॉट fz स्टूडेंट्स, राइट.
अगर हम सिंपल पोल जेड नॉट पर रेसिड्यू निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसका ये फॉर्मूला होगा। और नंबर टू, अगर हम एट एट पोल ऑफ ऑर्डर एम, और अगर हम ऑर्डर एम के पोल के ऊपर रेसिड्यू निकाल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होगा रेसिड्यू एट जेड नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस 1 लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट डी एम माइनस 1 डी जेड एम माइनस 1 ब्रैकेट z माइनस z नॉट रेस्ट टू द पावर m एफ जेड। Yes, friends. So this is the formula, friends, for pole of order m. 1 upon factorial m minus 1, जो भी order होगा उससे एक कम का factorial in denominator. Limit z tending to z not d m minus 1 d z m. यानी कि m order के pole अगर है, तो m minus 1 term differentiation with respect to z of किसका? z माइनस z नॉट रेस्ट टू द पावर m का fz में मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी बचेगा उसका डिफरेंशिएशन, राइट? एंड देन लिमिट सब्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स, सिंपल पोल पे पोल निकालना, सिंपल पोल पर रेसिड्यू निकालना, और ऑर्डर m के पोल पर हमें रेसिड्यू निकालना, ये दोनों ही चीजें यहां पर इन फॉर्मूलों की मदद से मिली। चलिए आइए जरा एक वर्किंग एग्जांपल लें तो आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, फंक्शन fz हमें दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, यस, ये फंक्शन fz हमें दिया हुआ है, fz इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z माइनस 1 इनटू z माइनस 2 होल क्यूब। स्टूडेंट्स, राइट, या फिर मैं इसको 3 की जगह 4 कर देता हूं, राइट? स्टूडेंट्स, तो दिस इज द फंक्शन। तो हमें इस फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है, इफ fz इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड रेसिड्यू एट ऑल पोल्स, राइट? हमें सारे पोल्स पर रेसिड्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम तो ये होगा हमारा कि हम लोग सबसे पहले ये समझें कि इसके रेसिड्यू कितने हैं और ऑर्डर उनका क्या है। चलिए आइए देखें, यहां पर दो पोल्स हैं, z इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 2। स्टूडेंट्स, ये सिंपल पोल है, आपको दिख रहा होगा सिंपल। कैसे? क्योंकि यहां पर पावर 1 है इस फैक्टर की। जो भी फैक्टर की पावर होती है वो उसका ऑर्डर होता है, हम लोग पहचानना सीख चुके हैं। एंड यहां पर स्टूडेंट्स, ये है ऑर्डर ऑर्डर 4 का पोल। स्टूडेंट्स, तो दो पोल हैं अलग अलग। नाउ स्टूडेंट्स, अब इनके ऊपर रेसिड्यू जब निकालेंगे, तो सिंपल पोल पे तो बहुत आसान है, रेसिड्यू एट व्हाट स्टूडेंट, एट 1 इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंडिंग टू 1 z माइनस 1 fz। और इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंडिंग टू 1 z माइनस 1 fz की वैल्यू वो रही सामने, दिस वन, दिस इज 1 अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 2 का होल पावर, राइट? स्टूडेंट्स, z माइनस 1 से z माइनस 1, z की जगह 1 लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो दिस बिकम 1। यानी कि सिंपल पोल z इज इक्वल टू 1 पर रेसिड्यू की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम रेसिड्यू निकाल लें z इज इक्वल टू 2 पर, जो कि एक मल्टीपल पोल है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस फॉर्मूले में जहां जहां m है, राइट, जहां जहां m है वहां पर हम लोग क्या रखेंगे? m इज इक्वल टू 4। So this become 1 upon factorial 4 minus 1, friends, limit z tending to 2, क्योंकि हमारा जो पोल है वो क्या है? 2 है, limit z tending to 2, d 3
by dz 3. क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि 4 माइनस 1 इज 3, ब्रैकेट z माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 4 एफ जेड स्टूडेंट्स, राइट? तो यहां पर अब आसान है स्टूडेंट्स, आप लोग समझ सकते हैं. यहां पर हम लोग, यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही fz की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो z माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 4 से z माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा, आइए जरा देखते हैं, आपको मिलेगा रेसिड्यू एट 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 लिमिट z टेंडिंग टू 2 3 dz 3 एंड z माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 4 1 अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 4. ये अब z की वैल्यू है स्टूडेंट, ये और ये कैंसिल स्टूडेंट्स. आप 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 मींस 6 लिमिट z टेंडिंग टू 2 राइट d 3 बाय dz 3 एंड दिस इज 1 अपॉन z माइनस 1 स्टूडेंट्स. अब नाउ 1 अपॉन z माइनस 1 का 3 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 6 लिमिट z टेंडिंग टू 2. एक बार करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर. टू टाइम करेंगे तो ये मिलेगा माइनस 1 माइनस 2 अपॉन z माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 4 स्टूडेंट्स, राइट? थ्री टाइम्स करेंगे तो इट बिकम माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन z माइनस 1 यस z माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 4. ओके this one, not this one, 4, this is 3 and this is 4 students. So finally hume milega yahan pe jab 3 time differentiation kar chuke honge minus 6 upon z minus 1 rest to the power 4 students, right? So this 6 and 6 cancel, minus aage aa jayega, so this is minus 1 upon, jaise z ki jagah 2 rakhenge, 2 minus 1 1, so 1 rest to the power 4 is 1 means minus 1. So residue at 2 is equals to students minus 1. So students, ये वो process थी जिसकी मदद से हम किसी भी simple pole और किसी भी multiple pole पर residue की value find कर सकते हैं. ध्यान रहे student, एक ही function में simple pole भी हो सकता है, multiple pole भी हो सकता है, क्योंकि रेसिड्यू हर पोल पे निकाला जा सकता है. रेसिड्यू निकालते समय हम लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन सा सर्कल के अंदर है, कौन सा सर्कल के बाहर है. रेसिड्यू हर एक पोल पर फाइंड किया जा सकता है, चाहे वो सर्कल के अंदर हो, चाहे वो सर्कल के बाहर हो. लेकिन जो सर्कल के अंदर होते हैं उनके रेसिड्यू का कुछ और इस्तेमाल होता है, जो सर्कल के बाहर होते हैं उनके रेसिड्यू का कुछ और इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स. नाउ अब हम लोग जिस टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं उस टॉपिक में हम लोगों को यही चीज सीखनी है कि जब कोई भी पोल किसी भी क्लोज्ड कर्व के अंदर होता है तो उस पोल पर जो रेसिड्यू निकाला जाता है वो किस काम में आता है, और जो पोल्स किसी भी सर्कल या किसी भी क्लोज्ड कर्व के बाहर होते हैं वो पोल्स पर निकाला गया रेसिड्यू हमारे किस काम में आता है स्टूडेंट्स. तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट आर्टिकल है स्टूडेंट्स, वो है रेसिड्यू थ्योरम.